हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम नॉर्विक हिटलर्स फर्स्ट डिफीट इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक नॉर्वेजियन फिल्म है और 2022 में रिलीज हुई थी। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। जब वर्ल्ड वॉर टू छिड़ गया था तो नॉर्वे कंट्री किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहता था, लेकिन जर्मनी अपने हथियार बनाने की सामग्री स्वीडन से ला रही थी, यानी कि लोहा। लोहा स्वीडन से इंपोर्ट किया जा रहा था। ये सामग्री यानी कि लोहा जर्मनी तक पहुंचने के लिए नॉर्वे से रास्ता होकर गुजरता था और नॉर्वे से समंदर के रास्ते जर्मनी तक पहुँचाया जाता था। ग्रेट ब्रिटेन इस सामग्री के सप्लाई को रोकना चाहता था, इसीलिए नॉर्वेजियन समंदर में ब्रिटेन के द्वारा माइंस बिछाई गई थी और फिर ब्रिटेन भी हथियार बनाने की सामग्री, मतलब खास करके लोहा, स्वीडन से ही मंगाने लगा था। और इस तरीके से नॉर्वे के तट पर ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने दुश्मन के रूप में आ चुके थे। फिल्म के पहले ही सीन में नॉर्वेजियन सैनिकों की एक टुकड़ी दिखाई गई है। अब तक नॉर्वे एकदम तटस्थ था, पर अब नॉर्वे की तटस्थता भंग हो गई है और इस बात का अंदाजा अभी तक इस टुकड़ी को नहीं है। और इस टुकड़ी की छुट्टियां आज से शुरू होने जा रही थी, पर जैसे ही सारे सैनिक तट पर पहुंचते हैं, उनको बताया जाता है कि आप सभी की छुट्टियां रद्द की गई है और कोई भी अपने घर नहीं जा रहा है। पर उनमें से एक सैनिक जिसका नाम गुन्नार है, वो अपने कैप्टन से कहता है कि मैं बस ये तोहफा अपने बेटे को देना चाहता हूँ, और कैप्टन उसकी बात मान लेता है और उसे घर जाने देता है, लेकिन आधी रात से पहले वापस लौटने के आदेश दे देता है। फिर गुन्नार खुशी खुशी अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ एक होटल में काम करती है। गुन्नार की वाइफ का नाम इंग्रीड है और इंग्रीड को जर्मन और नॉर्वेजियन लैंग्वेज आती है, इसीलिए वो यहाँ पर एज अ ट्रांसलेटर का भी काम करती है। और इस होटल में ज्यादातर जर्मन गेस्ट ही आते हैं। फिर आधी रात तक गुन्नार अपनी पत्नी, अपने पिता और बेटे के साथ टाइम बिताता है और वहाँ से निकल जाता है। अपने साथियों की तरफ जाते जाते गुन्नार को पता चलता है कि जर्मन युद्धपोत ने नॉर्वेजियन तट पर हमला किया है और जर्मनी नॉर्वे तट के साथ साथ पूरे देश को भी कब्जे में करना चाह रहा है, और होता भी वैसा ही है। अब पूरे नॉर्वे कंट्री के साथ साथ इस जगह पर भी जर्मन्स का कब्जा हो चुका है, क्योंकि नॉर्वेजियन कमांडर लड़ाई करके लोगों की मौत का कारण नहीं बनना चाहते, पर उनकी टुकड़ी का कैप्टन जर्मन से लड़ना चाहता है, उनके आगे अपने घुटने टेकना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपने जवान लेकर शहर से बाहर एक पुल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ से ट्रेन लोहा लेकर समंदर तट तक पहुँचता है। और फिर अगले दिन मॉर्निंग में जर्मन्स इंग्रिड जहाँ काम करती है उस होटल पर भी कब्जा कर लेते हैं, और बाद में इंग्रिड दो ब्रिटिशर्स को, जो कि जासूस है और यहाँ से जर्मन्स के हर मूवमेंट की खबर ब्रिटेन को पहुँचाते हैं, ऐसे दो लोग जो कि जर्मन्स के दुश्मन हैं, उनको छुपने में मदद करती है। उसके बाद कई सारे लोग शहर छोड़कर जाने लगते हैं और इंग्रिड और उसकी फैमिली भी शहर छोड़कर जाने लगते हैं, पर समंदर से जाने वाले सभी जहाज बंद है और वैसे भी जर्मन्स नहीं चाहते कि कोई भी शहर छोड़कर जाए, इसीलिए मजबूरन लोग उस पुल से जाने की कोशिश करने लगते हैं जहाँ से लोहे की ट्रेन गुजरती है। और यही पर गुन्नार और उसकी टीम है जो कि इस पुल को ब्लास्ट करके तोड़ना चाहते हैं, ताकि जर्मन्स वहाँ से कुछ भी जर्मनी ना ले जा पाए। जब ये लोग पुल को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ लोकल लोग वहाँ से ही होकर शहर से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, और उनमें इंग्रिड और उसका बेटा भी है। यहाँ पर इंग्रिड और गुन्नार फिर से एक बार मिलते हैं और बिछड़ते हैं। सुरंग में आगे जाने के बाद इंग्रिड का बेटा उसके पापा के लिए वापस भागता है और सुरंग में एक जगह पर छुप जाता है। उसकी माँ भी उसके पीछे आती है और वहीं पर उसके साथ बैठ जाती है। इधर पुल को उड़ाने से पहले ही वहाँ पर जर्मन्स आ गए हैं और फायरिंग शुरू हो गई है। जैसे तैसे गुन्नार और उसके साथी पुल को उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, पर जर्मन्स गुन्नार और उसके और दो साथियों को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। और जर्मन्स इधर फिर से इंग्रिड को और उसके बेटे को वापस उसी होटल में ले आते हैं। वहाँ पर जर्मन ऑफिसर इंग्रिड को ट्रांसलेटर का काम करने को कहता है। इस जर्मन ऑफिसर का नाम ऊसो है। इधर छुपाए गए अंग्रेज इंग्रिड को जर्मन्स के साथ उनके लिए काम करने को कहते हैं, और उनके साथ काम करते करते उनकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी लाकर इनको देने के लिए कहते हैं। शुरू में तो इंग्रिड मना करती है ऐसा करने से, लेकिन बाद में अपने शहर को जर्मन्स से बचाने के लिए वो बात मान जाती है। उसके बाद अचानक से अंग्रेज जर्मन जहाजों पर हमला करते हैं और डर कर इंग्रिड और उसके परिवार के साथ सभी पड़ोसी लोग भी एक बंकर में जाकर छुप जाते हैं, ताकि हमले और बमबारी के दौरान उनकी जान को कोई नुकसान ना हो सके। और फिर जैसे ही हमला रुक जाता है, रात में सभी लोग बाहर आ जाते हैं।
और इंग्रिड होटल में जाकर देखती है तो वहाँ पर काफी सारे जर्मन्स घायल अवस्था में हैं। वो उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करती है और फिर देर रात को उन सभी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। और उसके बाद इंग्रिड मौका देखकर जर्मन अधिकारी के कमरे से काफी इम्पोर्टेंट जानकारी चुरा लेती है और उन अंग्रेजों को जाकर देती है और तुरंत ही अंग्रेज ये जानकारी लंदन पहुंचा देते हैं। और फिर जैसे ही इंग्रिड वहां से वापस अपने घर आती है तो वहां पर और एक बहुत बड़ा हमला होता है और इस हमले में इंग्रिड के ससुर की जान चली जाती है। पर इंग्रिड के बेटे को बचाने में वो कामयाब हो जाती है, पर इस बच्चे को भी बहुत चोट लगी है और उसका खून भी बह रहा है। फिर कहानी 4 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है। इंग्रिड के पति गुन्नार को जर्मन्स ने पकड़ लिया था, उसके जैसे कई और भी थे जिन्हें पकड़ लिया था और उन सब का हाल यहाँ पर बहुत बुरा था। वो सब बहुत कमजोर हो गए थे, उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा था, उन्हें खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जा रहा था। गुन्नार जर्मन्स का फेंका हुआ झूठा खाना चुपके से खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर पोलैंड की पोलिश सेना जर्मन्स पे हमला करती है और काफी गोलीबारी और बम के धमाके के बाद सभी नॉर्वेजियंस को जर्मन्स के चंगुल से बचा लिया जाता है। पर गुन्नार और उसके जैसे सभी यहाँ पर सिर्फ अपने परिवार के प्यार और उनके यादों के सहारे जिंदा है और वो अब जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुँचना चाहते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब ब्रिटिश नॉर्विक में जर्मन्स पे अच्छे खासे टूट पड़े हैं। नॉर्विक के आम नागरिक फंसे हुए हैं, वो सब बंकर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब जर्मन्स को पता चल गया है कि नॉर्विक में अंग्रेज जासूस छुपे हुए हैं और उनकी मदद भी नॉर्विक के ही लोगों द्वारा की जा रही है। इसीलिए जर्मन्स अब उन अंग्रेजों को ढूंढना चाहते हैं और उनको मदद करने वाले नॉर्विक नागरिक को भी पकड़ना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने शहर के मेयर को भी पकड़ लिया है। और जर्मन्स के लिए ट्रांसलेटर का काम करते करते अब जर्मन अधिकारी उसो और इंग्रिड की दोस्ती होने लगी है, उनकी एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत जमने लगी है। फिर एक रात इंग्रिड नोटिस करती है कि उसके बेटे को बहुत ज्यादा बुखार है और ये बुखार उसको लगे हुए घाव के कारण है। अगर उस बच्चे को तुरंत डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो उस संक्रमित घाव के कारण उस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इंग्रिड तुरंत जर्मन ऑफिसर के पास पहुंचती है और डॉक्टर को बुलाने की रिक्वेस्ट करने लगती है, पर जर्मन अधिकारी डॉक्टर को बुलाने से मना करता है। तब इंग्रिड उन्हें अंग्रेजों के बारे में बताती है और तुरंत ही इंग्रिड के बेटे के इलाज के लिए वहाँ पर डॉक्टर मुहैया करा दिया जाता है। और कुछ ही देर बाद इंग्रिड की फ्रेंड जो कि अंग्रेजों को छुपने में उसकी मदद कर रही थी वो आकर बताती है कि अंग्रेजों को पकड़ लिया गया है। और तब वो लड़की को अंदाजा हो जाता है कि इंग्रिड ने ही अंग्रेजों के बारे में बताया है और इसीलिए इसके बेटे के इलाज के लिए यहाँ पर डॉक्टर का इंतजाम हो पाया है। इंग्रिड के बेटे के घाव में एक लोहे का टुकड़ा धंसा हुआ था जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालते हैं और अब इंग्रिड का बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। शहर के बाहर गुन्नार और उसकी बटालियन पोलिश और फ्रेंच सैनिकों के साथ मिलकर जर्मन्स पे हमला किए जा रहे हैं और अपने परिवार और बच्चों के खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर जर्मन्स को खदेड़ने में लगे हुए हैं। और आखिरकार उनके जुनून के आगे दुश्मन टिक नहीं पाता है और जर्मन्स को हराकर गुन्नार और बाकी सैनिक शहर में दाखिल होने के लिए तैयार है। उसी वक्त इधर शहर में भी सभी जर्मन्स शहर छोड़कर जा रहे हैं और जर्मन ऑफिसर उसो भी जा रहा है जिसके लिए इंग्रिड ट्रांसलेटर का काम किया करती थी। पर वो ऑफिसर जाने से पहले इंग्रिड को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि जैसे ही ये सब यहाँ से निकल जाएंगे जर्मन लुफ्टवाफे यहाँ पर हवाई हमले करेंगे। पर इंग्रिड नहीं जाना चाहती और कहती है कि मैं यहीं पर अपने देश में रहूंगी अपने लोगों के बीच में। तब जर्मन ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारा पति जिसका नाम गुन्नार टोफ्ते है जिसे जर्मन्स ने बंधक बना लिया था वो मारा जा चुका है और तुम अब यहाँ पर अकेली हो। इंग्रिड अपने पति की मौत के बारे में जानकर टूट जाती है। हालांकि ये सब कुछ झूठ है, वो जर्मन ऑफिसर किसी भी तरह से इंग्रिड को अपने साथ ले जाना चाहता था इसीलिए ऐसा कह रहा है। पर अब इंग्रिड के पास उसका बेटा है और अपने बेटे के लिए जो सबसे ज्यादा सही होगा वो इंग्रिड करना चाहती है। अगर वो यहाँ रहती है तो शायद मारी भी जा सकती है अपने बेटे के साथ। इंग्रिड की दोस्त भी उसे यहाँ से जाने को कहती है और ये भी कहती है कि उसने अंग्रेजों को पकड़वाया था, ये बात पूरे शहर में फैल गई है इसीलिए शहरवासी उससे नफरत करने लगे हैं। पर फिर भी इंग्रिड यहीं पर रहने का फैसला करती है एंड फाइनली गुन्नार के साथ साथ सभी सैनिक शहर में अपने अपने परिवारों के पास आ जाते हैं। उन सभी का स्वागत करने के लिए उन सभी के परिवार वाले वहाँ पर आते हैं।
लेकिन गुन्नार का स्वागत करने के लिए इंग्रिड नहीं आई थी। इससे गुन्नार को काफी नाराजगी होती है, पर जब गुन्नार अपने घर जाता है तो वो घर खंडर बन चुका था, पर वहाँ पर उसका बेटा और इंग्रिड थे जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर यहाँ पर आने से पहले गुन्नार के दोस्त की बीवी ने इंग्रिड के बारे में गुन्नार को बता दिया था कि उसने अंग्रेजों को पकड़वाया था जो कि इनकी मदद कर रहे थे, और इस बात से गुन्नार और इंग्रिड के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है और दोनों अलग अलग होने का फैसला करते हैं, क्योंकि गुन्नार ये समझना ही नहीं चाहता कि इंग्रिड ने ऐसा अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया। वो अपने जीते जी अपने बच्चे को कैसे मरने दे सकती थी। तभी जर्मन हवाई हमले शहर पर शुरू हो जाते हैं और इसमें कई सारे लोग जख्मी होने लगते हैं। इधर इंग्रिड शहर छोड़कर जाने वाली बोट की तरफ निकल पड़ती है। वो गुन्नार के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती है, पर वो अकेली जाने के लिए मजबूर हो गई है। और इधर गुन्नार भी उन दोनों को अकेले जाने नहीं देना चाहता, पर गुन्नार की नज़र में इंग्रिड अपराधी है। फाइनली इंग्रिड अपने बेटे के साथ बोट पर चढ़ जाती है और चढ़ते चढ़ते वो गिर जाती है। उसकी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने दुश्मनों की मदद की थी और उसे सभी लोग देशद्रोही समझकर नफरत कर रहे थे। पर तभी पीछे से गुन्नार आकर उसकी मदद करता है और उसे उठाता है, और फिर गुन्नार और इंग्रिड साथ में बोट से शहर के बाहर चले जाते हैं। अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे के साथ एक साथ रहेंगे। इसके बाद जर्मन्स ने इस पूरे शहर को खंडर बनाकर छोड़ दिया था, जिसकी कुछ रियल तस्वीरें फिल्म के आखिर में दिखाई गई है। ये लड़ाई उनके देश के सबसे बड़ी लड़ाई थी। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 की एक और सच्ची कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जो मेरे दूसरे चैनल है चलो फिल्म देखे 2 और फिट मॉम्स क्लब, वहाँ पे भी जाके आप विजिट कर लीजिए। अगर वो वीडियोस भी आपको पसंद आती है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।